यहाँ समिति का सहयोग है सारा, और यहाँ का समिति का सहयोग नहीं है, और यहाँ का सहयोग है, यहाँ का लगातार उनका तो दे रखे ना, वो तो परसों बता दिया हमने, उनका नाम होना चाहिए, उनका तो है, उनका तो परसों बता दिया। सम्मानित साथियों नमस्कार, और मैं सुनील टमटा। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग लगातार मंगरूखाल, तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। तो अभी भाई जा रहे हैं दिल्ली, तो हम सभी जा रहे हैं भाई को छोड़ने, बड़ी वाली भाभी नहीं आ रही है, हम भाभी अंशु के साथ है, और हम चारों के चारों जा रहे हैं, मैं रोड तक जाऊंगा भाई को छोड़ने। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। शुरू करते हैं नितिन के साथ एक खूबसूरत सी वीडियो की। तो भाई अभी जा रहे हैं यहाँ से बजुरखोड़ा, और भाई जा रहे हैं हाँ दिल्ली, और उसके बाद देखते हैं भाई कब तक जाते हैं वहाँ से साउथ अफ्रीका। तो अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 होने वाले हैं, तो रोडवेज आने वाली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई को छोड़ने के लिए रोडवेज में। तो अभी फटाक से चलते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी कभी भी निकल सकती है। तो चलो तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। शुरू करते हैं नए दिन के साथ एक खूबसूरत सी वीडियो की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है अनुराधा, स्वागत आपके देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में। तो मैं अभी पहुँच चुके रोड में, रोडवेज तो चली गया है भाई ने, तो मैंने तो यहाँ पर रोक दी थी बस। अभी भाई भी पहुँच रखे हैं यहाँ पर, अभी पहुँच रहे भाई नीचे थे इस वजह से भाई ने साथ में बोल दिया कि जाओ, और अभी सुबह लेके चिड़ियों की चहचहाहट देखिए। यहाँ पर किसी का सामान भी उतरा हुआ है, ये सभी पत्थर यहाँ मंदिर के लिए हैं यहाँ पर रखे हुए भाई। अब रुक, अब करते हैं यहाँ से दूसरी बस का इंतजाम। भोले बाबा ये सब जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह। सम्मानित साथियों नमस्कार, और मैं सुनील टमटा। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग लगातार मंगरूखाल तनसाली छंड कालिका मोटर मार्ग स्वीकृत 2014, जिसके लिए हमने 2018 में भी आंदोलन किया था, उसके बाद लगातार हम विभाग से लेके तहसील, SDM, DM, मुख्यमंत्री पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल और महामहिम राष्ट्रपति तक को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं लिखित में। उसके बाद भी
सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिसके लिए हमने 10 तारीख को एक जन आक्रोश रैली यहाँ पर रखी थी, जिसमें विभिन्न लोग आए थे, बहुत दूर दूर से लोग भी आए थे, और क्षेत्र के बुजुर्ग, युवा, बच्चे तक रोड पर आए थे अपनी समस्या को लेकर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं दिखाना चाहूँगा। सामने हमारे पास कनूरी पजेई बाकली है, डनगांव है, कनूरी बाकली है, गाजर है, और उधर टमटा बाकली पड़ता है, बाजकुटी बाकली, शिवशाली बाकली, रानी डेरा और तनसाली सैंड, और अंत में जो हमारा गढ़ कुमाऊं की देवी कालिंका माता है, उस माता के मंदिर को इस रोड ने कनेक्ट करना है। और काफ़ी लोग इस रोड से लाभान्वित हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो मेरा इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि 10 साल से अगर ये रोड लंबित पड़ी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि राज्य में और केंद्र में सरकार रही है। क्योंकि हमने जैसे हमने कल एक न्यूज चैनल के डिबेट में भी थे, तो माननीय विधायक जी ने उसकी 1% की भी गारंटी नहीं ली है, और कुछ लोग जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं, तो आप जब विधायक जी उसकी गारंटी नहीं ले रहे तो आखिर कौन लेगा। समझने का विषय यह है कि 10 सालों में लोगों को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, गर्भवती महिला होती हैं, और कई बार जो हमारी पारंपरिक रीति रिवाज रहा है कि किसी की डेड अगर दिल्ली वगैरह में होते तो यहाँ से उनको हमें अपने गांव तक ले जाना पड़ता है, लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। और 10 सालों में जो नुकसान हुआ है, चाहे वो निजी काम हुआ है, चाहे सरकारी निर्माण कार्य हुए हैं, जितने की वो लागत नहीं है उतने से ज़्यादा ढुलान पड़ जाती है। आखिर इस जो नुकसान का जिम्मेदार कौन है, 10 सालों तक काम क्यों नहीं किया है। तो पुनः मेरा सभी जो अन्नू रावत जी का जो हमारा YouTube चैनल है, मैं उनके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और अन्नू भाई को विशेष का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भैया आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, और अधिक से अधिक लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और ताकि जो जन समस्या है, ये कि जन भावनाओं की कदर करते हुए जनता की समस्या है जो सालों से लंबित है, उस पर जल्द निर्माण कार्य हो पाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार भाई साहब। अभी भाई तो जा चुके हैं और मैं आ गया हूँ घर को। तो अभी देखे, मैं यहाँ से मंदिर के लिए पत्थर लेके आ रहा हूँ, और जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर सुनील भाई मिले हुए थे, जो कि हमारे यहाँ के सुनील टमटा भी हैं, तो यहाँ पर की रोड के लिए वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं आजकल। तो देखिए, अभी आप मेरी समस्या देख सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर पत्थर लेके आ रहा हूँ रोड से, अगर यहाँ पर रोड होती तो मुझे इतनी दूर से और इतना भारी पत्थर लेके जाना नहीं पड़ता ना। जैसे कि रोड होती तो सीधा वहाँ पर मंदिर में पहुँच आता है, और इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अभी भाई गई सुबह बस में, तो बस तो छूट गई थी, अगर हमारे नज़दीक में रहती तो हम सीधा गाड़ी में वहाँ से निकल जाते। तो यहाँ पर रोड होनी ज़रूरी है। कब से यहाँ पर मांग चल रही है लोगों की, और 6-7 साल हो गए हैं मुझे जहाँ तक पता है, मतलब तब से यहाँ पर रोड पर जोर शोर लगा हुआ है, उससे पहले पता नहीं कब से लगा हुआ है यहाँ पर काम, तो उसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट 6-7 सालों से मैं सुन रहा हूँ रोड आ रही है, तब आ रही है, तब आ रही है। तो यहाँ पर जनता का अभी, जनता लखोरा घाटी की जनता ने अभी मुझे लग रहा है जहाँ तक कि यहाँ पर निर्णय लिया है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, ये नारा बहुत टाइम से सुन रहा हूँ मैं, मतलब आजकल 1-2 हफ्ते से। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो पुरानी, तो यहाँ पर सभी बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक सभी यहाँ पर रोड की मांग कर रहे हैं, रोडों पर यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं और अपनी मांग, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ शेयर करें। ज़्यादा राजनीति में तो रहता नहीं, बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, बट इस एक काम होना चाहिए, हमारे यहाँ पर रोड आनी चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई सीधा मंदिर, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको, अभी बहुत चीज़ें दिखानी हुई है। तो अभी देखिए, मैं पत्थर लेके यहाँ पर मंदिर में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ अभी दयालदा जुड़ चुके हैं, और दयालदा भी यहाँ पर रोड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा, अभी हम फिलहाल मंदिर के हैं, रोड वाला आंदोलन तो कल हो चुका है। तो पहले रोड के बारे में बात हो रही है अभी। रोड क्या, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि जो बहुत पहले से 5-10 साल से जो हमारे मंगरूखाल से मंगरूखाल टू कालिंका मोटर मार्ग था, ये अभी तक इसको 10 साल हो चुके हैं, इसमें कोई काम नहीं हुआ। और दूसरे ये एक छोटी सी रोड यहाँ से इको खेत से और यहाँ तक ये डांसी डूंगा तक आदर्श स्कूल डांसी गांजर का जो था वो भी नहीं बन पाया अभी, उसमें भी साल भर से काम चल रहा है, वो भी आगे जाके 2-3 किलोमीटर के बाद रुक चुकी है। और ये वाली रोड जो है, ये यहाँ से मंदिर के लिए भी इसने आना था थोड़ा सा कटान करके, जब यहाँ पर समिति कोशिश करती तो वो भी नहीं पहुँच पाई। तो इसके लिए लोगों ने कल परसों
यहाँ हमारे इलाके वालों ने और गांजर ग्राम सभा वालों ने इसके लिए आंदोलन किया था, तो कि हम इस बार वोट तभी देंगे जब हमको यहाँ पे रोड मिलेगी, दोनों ये वाली रोड भी और इधर गांजर वाली रोड भी जो है मंगरूखाल से कालिका के लिए जाती है, ये कमलेश्वर मंदिर के लिए है, कमलेश्वर मंदिर के लिए, कमलेश्वर मंदिर आदर्श स्कूल, आदर्श स्कूल के लिए, और कमलेश्वर मंदिर भी इससे जुड़ जाएगा तो मंदिर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई भी सामान हमको दूर से ढोना पड़ता है तो थोड़ा सामान यहीं पर पहुँच जाएगा मंदिर के नज़दीक। और बाकी जो हमने यहाँ पर काम के लिए कहा था सारी समिति वालों ने और कुछ पर्सनल लोगों ने अपने सहयोग से, तो यहाँ पर बाथरूम भी अभी फिलहाल बन चुका है, इस पर प्लस्तर दो मात्र तीन दिन का काम बाकी रह चुका है। और यहाँ पर तीन चार लोग हम काम कर रहे हैं इसमें, एक हमारे सान मिस्त्री है जो रिकरोला से आए हैं, और यहाँ पर मैं लेबरी कर रहा हूँ, और ये जो सुरजीत है वो यहाँ पर काम की देख रेख करते हैं, कभी थोड़ा बहुत करते भी हैं, और अध्यक्ष भी आता है कभी कभी। अच्छा, और तो अभी जब मैं पत्ता लेके आया वो कहाँ पर लगाएंगे आप यहाँ पर आते हैं अभी, और वो बाबा जी तो यहाँ पर रहते ही हमारे साथ उनका भी सहयोग बना हुआ है। बाकी हम जो आगे का सीन कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ऐसी जगह थी, अच्छी जगह निकल चुकी है, मलवे का और पत्थरों का ढेर था, यहीं से हमने सारा कर दिया। अब यहाँ से हम इस पर प्लस्तर फिटिंग करने के बाद यहाँ से पत्थर, लाल वाले पत्थर बिछाने शुरू करेंगे, कुछ पुराने पत्थर बचे हुए उनको हम इस साइड लगाएंगे, आगे को नए पत्थरों को बिछाते हुए और सीधे आगे की तरफ मंदिर की तरफ होते हुए। अच्छा, मंदिर की तरफ ना ना, और यहाँ तक ये जो कि यहाँ पर सारी जनता के सहयोग से हर यहाँ पर जो भी है 50 परिवार यहाँ पर पत्थर को लाने में सहयोग कर चुके हैं, इनमें से अभी थोड़े 9-10 पत्थर वहाँ छोटे हैं वो भी पहुँच जाएंगे, और ये सारे मदद में आ रखे हैं, जन यहाँ समिति का सहयोग है ये सारा, और यहाँ तक समिति का सहयोग नहीं है, और यहाँ तक यहाँ तक लाने में लाने में हाँ उसका उनका तो दे रखे ना, वो तो परसों बता दिया हमने, उनका नाम होना चाहिए, उनका तो है, उनका तो परसों बता दिया, ये उल्टी सीधी बातें मत लगाया करो, ये मंदिर का कोई ये वो नहीं होता है। और यहाँ पर जो यहाँ तक भी सिंगे पत्थर लाश माता के मंदिर तक, और वो भगत जिस भगत ने ये पत्थर दान किए थे उसका नाम नहीं आया, इसलिए बाबा जी नाराज हो रहे थे, लेकिन ये पहली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमारे प्रधान बागली के लाल सिंह हैं जो होटल में काम करते हैं, तो उन्होंने ये पत्थर यहाँ पर 50 पत्थर मंदिर के लिए दान करे थे, कुछ पिछली कुटिया के तोड़ने के जो समिति के पत्थर थे 8-10 पत्थर वो भी हैं, उनको भी हमने यहाँ पर बिछाना है, और यहाँ ठीक है माता के मंदिर के आगे तक ये पत्थर बिछाए जाएंगे, बाकी जरूरत तो नीचे भी है हमको, लेकिन ये भविष्य में कभी हो जाएगा करेंगे जो भी हुई समिति, यहाँ भी बिछाए जाएंगे मंदिर के चारों तरफ, रेलिंग बनेगी, कई काम यहाँ पर होने बाकी हैं। जय कमलेश्वर महादेव, जय माता रानी, जय बजरंगबली, जय भैरवनाथ। बाबा जी आप क्या कहोगे, ये उल्टी सी बातें लगाना उचित नहीं है, जिस भगत जो भगत देता है उस भगत की बात है, ठीक है, वहाँ से सार रहे हैं सारी जनता ने क्या कर रखा है, जनता इधर उधर को भड़क रही, कोई आ तो रहा नहीं है, बातों को बनाता है यार, उल्टी सी बातें मत लगाएगा, वो क्या देखेगा। तो भाई अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से बर्तनों पे धार देने की, तो हमारे यहाँ पर बोलते हैं अंशाल जाना, तो मैं अभी अंशाल जा रहा हूँ लोहार के पास पे। तो अभी देखिए ना, लोगों ने हल बुआई भी शुरू कर दी है, तो ऊपर वाली खेती है गेहूं की और नीचे साइड को यहां पर है झुंघोरा इस साइड की, तो यहां पर अभी सभी लोग हल लगा रहे हैं, और देखिए खेतों में गोबर भी डाल दिया है, ये वाला खेत है तो यहां पर तक हमने अभी गोबर डाल रखा है, अब कुछ टाइम में उस साइड को भी डालेंगे, और वहाँ पर देखिए वो लोग यहाँ पर अभी गोबर को फैला रहे हैं। यहाँ पर दीदी जी देखिए यहाँ पर कांटे काट रहे हैं। अच्छा तो मन पहला हो भाई आप कटना जिखान है। अच्छा ऐसा दीदी का कहना है कि पहले हल बॉय हो चुकी है और अब जाके मैंने सब जगह स्टम्प तीन देखे हैं, बट यहाँ पर चार स्टम्प देखने को मिल रहा है। वहाँ पर देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने खेल में मगन हो रखा है और हल बॉय कर रहा है। देखिए नहीं जा रहे तेरे बैल। अच्छा खींच खींच खींच। नाम क्या तेरा, नाम है, नाम क्या तेरा, नाम नाम प्रदीप। कितने में पढ़ता था, स्कूल जाता है? नहीं नहीं स्कूल नहीं जाता। अच्छा हलवाई करता है तो घर में हलवाई। अच्छा
हाँ अभी देखिए मैं घर में पहुंच चुका हूं और यहां पर अभी मेरे साथ संतन भाई भी जुड़ चुके हैं। तो संतन भाई से सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी एज कितनी हुई है, कहते सारे जी तुम मैरिज हो गई 46। अच्छा तो जो रोड आ रही है कब से आ रही है, आपको अंदाजा है कुछ कब से इसके बारे में बातचीत चल रही है? बातचीत कब चल रही है? 25 साल हो गए, 25 साल से बातचीत हो रही है और अभी तक रोड नहीं आई है। अभी तक रोड नहीं आई। अगर जब पहले साल में हुई बात तो क्या कहा उन्होंने कि रोड बन जाएगी एक साल में? बोला रोड आ जाएगी। अच्छा चुनाव के टाइम पे तो और भी ज्यादा होता है ना कि रोड आ जाएगी। अभी चल रहा है उसके बारे में तो कुछ कहना चाहोगे, क्या समस्याएं होती है आपको दूर रोड की वजह से? दूर रोड की वजह से क्या होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर घर बना रहे हैं तो इसकी ढुलान कितनी लगेगी? एक घोड़े एक खच्चर की एक खच्चर की ढुलान है 150 रुपया। 150 रुपये तो मतलब लगा लो कि 2-2.5 लाख रुपए सीधा है। 2-2.5 लाख रुपए तो ढुलान पे, ढुलान से इतने तो उस मटेरियल और मिस्त्री का भी नहीं है खर्चा है ना। हाँ तो अच्छा तो क्या कहते हैं फिर, आनी चाहिए रोड जल्दी या? रोड जल्दी आनी चाहिए तभी हम वोट देंगे। मोदी जी के लिए बोलो जल्दी वोट दो। नहीं तो रोड दो हम वोट देंगे, नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा तो सभी का यही कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं। शकूट पकड़। तो भाई अभी मैं और दीपो यहाँ पर काम पे लगे हैं तो हमने यहाँ पर इसको पूरा उखाड़ दिया है आज। तो इस वाले जो किचन था हमारा वो वाला पूरा उखाड़ दिया है और बाकी आज दीपो और मैं हैं ओनली। और आज कोई बगल में किसी की डेथ हो चुकी थी तो आज 11वां दिन है तो आज वहाँ पर क्या होगा दीपो? पीपल पानी कहते हैं। तो आज वहाँ पर गए हुए हैं सब तो हम यहाँ पर अभी उजाड़ विजाड़ कर रहे हैं तो हमने इतना उजाड़ विजाड़ कर दिया है तो हम इसको सीधा ऊपर को उखाड़ रहे हैं। और बाकी यहाँ पर देखिए कमरा कुछ ऐसा था और आज कैसा है, पहले कैसा था और कैसा अब है दीपू? अब अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा था? अब अच्छा है। अच्छा दीपू क्या कह रहा है अब? अच्छा तो दीपू भाई मैं आपसे कुछ चीज़ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं आज बना रहा हूँ वीडियो रोड पे तो हमारे गांव में रोड नहीं है तो क्या क्या क्या, क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पर से? बहुत जैसे कि सर पे ले जाना पड़ता है सामान रोड में, गाड़ी भी छूट जाती है कहीं जाना पड़ता है तो तब परेशानी होती है। कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा हम सिलेंडर ले गए थे सिर में उतनी दूर है ना तो बहुत दिक्कतें होती है ना। अब जैसे कि यहाँ पर सामान लेंगे तो अभी घोड़े खच्चर ही सारी है ना। तो दीपू भाई भी हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट में है कि हमारे गांव में रोड आनी चाहिए है ना दीपू भाई, तभी हमें सुविधा मिलेगी क्यों? चलो दीपू भाई काम करते हैं ना, अभी यहाँ पर उजाड़ विजाड़ करते हैं फिर से। जब तक हमारे संतन भाई आता तब तक हम यहाँ पर पूजा उजाड़ विजाड़ कर देते हैं। ये भाई यहाँ पर खाना पीना तो हो चुका है और हम दोनों यहाँ पर आराम से लेटे हुए हैं और भाई के जाने के बाद यहाँ पर घर सुनसान हो रखा है और यहाँ पर भूरी भी आ रही है। तभी हम खाना खाने के बाद अभी थोड़ा आराम करेंगे और इसके बाद सीधा जाएंगे काम पे। और यहाँ पर देखिए मम्मी भी आ चुकी है भाई। कुछ पहले उजड़ गाओ आया का तो नमस्ते पहुंच गया। अच्छा ओ यार तू ठीक है? तो देखिए मम्मी गई थी कन्नूरी बाग ली। और क्या था आज? वो आज पीपल पाइन। पीपल पाइन देखिए यहाँ पर सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं और बाकी मिट्टी है जो उसको उस साइड को फेंक रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज तो भिन उजाड़ उजाड़ कर रहा मलाई उजाड़ उजाड़ भिन करी सांझ। तभी देखिए भाई आधा काम हो चुका है और यहाँ पर संतान भाई भी पहुँच चुके हैं। तभी चाय पी रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर कटान होगी। तो अभी यहाँ पर का जो मिट्टी हमने खोदा था वो तो हमने फेंक दिया यहाँ पर सब नीचे को और पत्थर यहाँ पर लगा दिए हैं। और यहाँ पर जो नींव रखा हुआ है इसको हम यहाँ पर हिलाएंगे नहीं तो इस वजह से हमने यहाँ पर दरवाजे लगा रखे हैं जैसे कि यहाँ पर कूड़ा ना हो। और दीपू भाई चाय लेके आ चुके हैं। दीपू भाई नीचे करो धन्यवाद, चाय भी नीचे करो। और देखिए और अब आ चुकी है चाय
और कटक वाली चाय बिल्कुल ही मजे से। तो यहाँ पर आप कटक वाली चाय पीते हैं भाई, गर्मा गर्म चाय। फोटो बच्चे इतने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं आप मकान पे। और उठा उठा भी नहीं पा रहे, उठा भी नहीं पा रहे। पहले जमाने के आदमी वहां कितनी ताकत रही होगी। अभी बड़े इतने बनाए हुए पत्थर रखे हैं। तो भाई हाथों के हाल देखिए कुछ ऐसे हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत टाइट टाइट सा हो चुका है। और गंदे देखिए कितने हो रखे। दीपू तो दिखा तो अपने हाथ, दीपू के थोड़े अभी तेरे भी कैसे हो रखे, सबके ऐसे हो रखे, मेरे थोड़े और भी ज्यादा काले हो रखे हैं। तो कुछ ऐसे हाथों के हाल हो रखे। मैं बताता हूँ ये क्यों हो रखे, क्योंकि यहाँ पर किचन था और यहाँ पर पूरा काला हो रखा था, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर तोड़ा तो पूरा काला काला हो रखा भाई पूरा। मैं यार सही से इसका मुंह देख सकते हो कुछ ऐसा हो रखा है, और यहाँ पर रेड़ा भी आ चुका है। चलो